जय श्री कृष्णा साथियों, आज हम पहुंचे हैं हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में ज्योतिसर में, और यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। वही ये जगह है जहां पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। आइए आपको दिखाते हैं पूरा ज्योतिसर, क्या यहां का इतिहास रहा है, भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर क्या क्या किया है, आइए जानते हैं महाराज जी से। सबसे पहले एंट्री करते ही यहाँ पर बाबा जी बैठे, प्रणाम महाराज जी। तो अभी हम पहुंच चुके हैं ज्योतिसर में, और यहाँ पर देख सकते हैं, एक बार मैं कैमरामैन को कहूँगा एक बार दिखा दीजिए पूरा दृश्य। और जो यहाँ पर महाराज जी बैठे हैं बहुत ही बुजुर्ग है, इनको सब कुछ पता है। महाराज जी सबसे पहले क्या नाम आपका? रविदत्त। रविदत्त, कितने सालों से आप यहाँ पर रह रहे हो? हम तो यार जन्म हुआ और लिया भाई। आपका जन्म भी यहीं पर हुआ, यहीं रहे, तो हमसे ज्यादा तो सब कुछ यही जानते हैं, तो महाराज जी से जानेंगे। महाराज जी क्या इतिहास है, क्या क्या कुछ घटा है यहाँ पर, भगवान श्री कृष्ण ने क्या क्या किया, आप थोड़ा विस्तार में हमें बताइए। श्री कृष्ण ने यवराज गीता का उपदेश दिया पहले तो, जी फिर दोनों सेनाएं के बारे में ना, पहले तो जगह चुनी गई जी भाई, दोनों सेनाएं 48 कोस का एरिया है ये, उसका बीच है, ओके जी तो दोनों सेनाएं उन्होंने कहा था भाई ऐसी जगह ले चलो जहां से मैं दोनों सेनाएं को देख लू। तो दोनों सेनाएं, ये धरती चुनी गई थी, ये जगह चुनी गई थी भाई, दोनों सेनाएं उसने एन राम से देख, जी और यहीं से फिर लड़ाई चालू हुई। उन्ना 1.25 घंटा गीता का ज्ञान दिया। सवा घंटा हाँ जी, अर्जुन जी को, अर्जुन से ज्ञान दिया था गीता का श्री कृष्ण भगवान ने। जी उसके बाद में फिर 18 अध्याय बने थे उसके, गीता के, गीता के जी तो 18 अध्याय बन गए थे अपना। फिर उन्ना लड़ाई लड़ी है, और अर्जुन ने शस्त्र उठाए, पहले से जवाब दे रहा था, फिर उसने शस्त्र उठाए भाई ये मेरे घर के हैं, मारूं कि ना मारूं। हाँ भाई भतीजे होंगे तो हाँ, सारे अकेले युद्ध कैसे लड़ूं, किस तरह लड़ूं भाई। जी तो फिर श्री कृष्ण ने लीला दिखाई अपनी, जी विराट रूप दिखाया, तो उसने फिर शस्त्र ठाने पड़े। ठाणे पड़े। और महाराज जी आप ये और बताइए, जो ये बरगद के पेड़ हैं इनका क्या इतिहास है? इन पर ये भी मैंने सुना कि मुगलों ने काफी इन पर आक्रमण किया है, हिंदू धर्म को हाँ, नष्ट करना चाहा। बहुत, ये शिव का मंदिर है जी। ये वाला हाँ, जी इसने लड़ाई लड़ी और प्रगट हुए थे जी इस बड़ के अंदर, जी बड़ के अंदर प्रगट होके इन्होंने फिर लड़ाई लड़ी थी, पर जीत पराजित कर दिए थे मुगल, मतलब जी इन्होंने लड़ाई लड़ी। फिर उसके बाद में श्री कृष्ण भगवान ने अपनी लीला दिखाई थी। देखो फिर इनकी लड़ाई पूरी होगी, उरी ते युद्ध चालू होया था, उरी आके बंद होया था, जी तो फिर पांडुआ आपस में लड़ाई होगी। अच्छा जी अर्जुन का मन मारिया, भीम का मन मारिया, फिर नकुल का मन मारिया, तो फिर लगे कहन भी कृष्ण भगवान ने बताओ, फिर कृष्ण भगवान बताए, उन्होंने फिर कहा भाई ये लड़ाई का तो मना ही पता नहीं, लड़ाई का तो सिर्फ एक आदमी ने पता, चलो मेरे साथ, जो बब्बर बान था, बब्बर बान, बबरुआन, उसका सिर शेर दे मटांग्या हुआ था, तो आर दे पाड़े का नहीं हुआ आ से करा था, तो उसकी माँ ने एक वर दिया था उसको भाई, जो तेरे दर के ऊपर आ जा उसको खाली हाथ मत जान दी, तो खाली हाथ नहीं जान दिया कोई। श्री कृष्ण भगवान बोलिया ऐसा के है भाई तेरे पास, अग ये पेड़ है ना इसके सारे पत्ते बीन दियो, पिपल के सारे पत्ते बीन दियो ना, एक पत्ता श्री कृष्ण भगवान ने पैर के नीचे दाब लिया, आगे तीर पैर के ऊपर घूमने लग गया, या तो पैर ठा ले अरने पैर मान लिगड़ जाएगा, क्यों ना तो पत्ता बिंदना था वो, तो श्री कृष्ण भगवान ने पैर ठाया, फिर वो पत्ता बिंद गया। फिर श्री कृष्ण भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारिया, ब्राह्मण का रूप धार के उसके दर पे गया, अग जी मांगो के मांगा,
अक्के मांगूंगा तेरा सिर दे दे, ओठा सिर मांगा देना, शीश मांग लिया, ओठा मांगा शीश। फिर इसका नाम खट्टू श्याम रखा गया। अच्छा, खट्टू श्याम यही तो है, यही जगह, यही जगह है, यही मतलब खट्टू श्याम का मंदिर शेर दे के अंदर, शेर दे के अंदर। हाँ जी, ठीक ठीक। वहां से फिर इसको कड़ी भी ले जो, कड़ी बना दो मूर्ति। और महाराज जी, आप ये जो एक और पेड़ बता रहे हैं, वो वाला जो पेड़ है, हाँ जी, इसमें कह रहे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्थ यहीं पर रोका था, उरी रोका था, उरी गीता का उपदेश दिया था, उरी सारा कुछ झगड़ा उरी हो गया था बस। अभी तो छोटा है, इस वृक्ष की आयु कितनी हो सकती है? 5,500 से ऊपर होगी। 5,500 अंदाजा है, लगभग 5,500 से ऊपर इसकी आयु, आयु आई। मुगलों ने इसके ऊपर आक्रमण कर दिया, इसको तोड़ कर दिया, नष्ट कर दिया, लेकिन जो फिर भी नहीं हो गया, फिर भी अमर का अमर है, अमर है, अमर है जी। ये तो पेड़, 5 पेड़ अमर है। इनके नाम भी है पांचों के? कोई बस नाम का जमाना भी नहीं पता। देख भाई, जो सुनिया, 5 पेड़ जो बरगद के वो अमर है, अमर है, कोई इसको नष्ट नहीं कर सकता, कुछ नहीं होता, स्वयं भगवान है, तो कुछ नहीं होता ऐसी कैसी। तो दोस्तों, महाराज जी ने बताया बहुत ही अच्छे तरीके से, बुजुर्ग है, और इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि इनकी, उनका जन्म भी यहीं पर हुआ है, सब कुछ देखा है, जहाँ पर ये 5 पेड़ है बरगद के, इतने पुराने। आप देखोगे ना, जब कभी भी आप कुरुक्षेत्र आओ हरियाणा में, तो ज्योतिषर जरूर आकर देखे, जब अपनी आंखों से देखेंगे, अलग अलग ही फील आती है यहाँ पर, आध्यात्मिक जो शक्ति है वो आपको यहाँ पर देखने की मिलेगी। और मैं आपको अभी पेड़ भी दिखाने वाला हूँ, जहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्थ रोका था, उस पेड़ के नीचे गीता का उपदेश दिया था, क्योंकि अर्जुन ना अपने भाइयों को मारने से मना कर दिया था, क्योंकि भाई को, भाई को, भाई भाई को कोई नहीं मार सकता, तो अर्जुन अर्थ में पीछे जाकर बैठ गया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था इस पेड़ के नीचे, वही आपको दिखाने वाले। ये दर्शकों, अभी आपको दिखाते हैं जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वही दिव्य पेड़ दिखाते हैं जिसके नीचे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। दोस्तों, अभी मेरे सामने जो आप पेड़ देख रहे हैं, ये पेड़ बहुत ही ज्यादा प्राचीन है, इसकी आयु लगभग 5,500 साल से ज्यादा ही बताई जा रही है। आपको ये देखने में बिल्कुल छोटा सा पेड़ दिख रहा होगा, लेकिन इसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। इस पेड़ के ऊपर मुगलों ने बहुत से आक्रमण किए हैं, बहुत सी बार इसको नष्ट करने की कोशिश की है, लेकिन ये पेड़ अमर है, और आज भी ये पेड़ साक्षात हमारे सामने खड़ा हुआ है। दोस्तों, देख सकते हैं इसकी जटाएं जमीन में चली गई है, और ये पेड़ अपना व्यास धीरे धीरे बढ़ा रहा है। दोस्तों, यही वही जगह है, वही सेंटर पॉइंट है, जहां पर 84 कोस में, लगभग आधुनिक युग की बात करूं तो 154 किलोमीटर के एरिया में महाभारत का युद्ध हुआ था, जिसमें हरियाणा के 4 डिस्ट्रिक्ट आती है, जिसमें जींद है, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र और कैथल, ये 4 डिस्ट्रिक्ट का एरिया है जिसमें महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। लेकिन जो सेंटर बिंदु था महाभारत के युद्ध का, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, वो यही पेड़ है, इसी पेड़ के पास भगवान ने गीता का उपदेश दिया था। दोस्तों, यहां पर था क्या, दोनों सेनाएं युद्ध करने के लिए आमने सामने खड़ी थी, लेकिन जब अर्जुन ने देखा कि मेरे भाइयों के साथ मुझे युद्ध करना है, अर्जुन भी बहुत ही बड़े योद्धा थे, तो उन्होंने देखा मेरे भाइयों को मुझे मारना है, युद्ध करना है, तो वो रथ के पीछे वाले हिस्से में आकर के बैठ गए। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसी समय
विराट रूप लिया और गीता का उपदेश दिया कि आपको अपने भाइयों के साथ युद्ध करना पड़ेगा। तब योद्धा अर्जुन ने अपने अस्त्र उठाए, शस्त्र उठाए और अपने भाइयों के साथ युद्ध किया। तो वही जगह है, तो आप देख सकते हैं इसी पेड़ के नीचे सब कुछ घटा हुआ था। तो आप कभी भी कुरुक्षेत्र में आए, ज्योतिसर गांव में, तो इस जगह के दर्शन करके जरूर जाए। तो आप देखिए पूरा इसका परिसर। जैसे हम थोड़े से आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखाई देते हैं भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप। वो इतना विशाल विराट रूप है, इसी विराट रूप में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया गया था। तो बहुत ही सुंदर प्रतिमा यहाँ पर ज्योतिषर के अंदर बनाई हुई है, तो आप इसके भी दर्शन जरूर कीजिए। साथियों, अभी हमने आपको दिखाया ज्योतिषर धाम, जहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, और हमने आपको दिखाया 5,500 साल पुराना पेड़ जिस पर मुगलों ने बहुत ही आक्रमण ढाए हैं, लेकिन आज भी बिल्कुल स्वस्थ वो पेड़ खड़ा हुआ है। तो दोस्तों, हमारी आपको ये जानकारी कैसी लगी, ज्योतिषर धाम आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कॉमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख दीजिए।